तो यार आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह है गूगल एड्स के ऊपर। अगर आप भी अपने एड्स को उन पे रन कर रहे हैं लेकिन उन पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, इंप्रेशन नहीं शो हो रहे, तो वीडियो को देखते रहिए। अगर आप सारा कुछ जो कैंपेन होता है वो अच्छे से क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे कीवर्ड्स अगर डाल रहे हैं तो वो भी प्लेसमेंट जो है वगैरह जो भी और चीज़ें करते हैं बिड वगैरह सारा कुछ आपका अच्छे से वहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपके एड्स में कोई इंप्रेशन नहीं शो हो रहा है या फिर कोई व्यूज़ नहीं आ रहे, तो देखते रहिए। इस प्रॉब्लम के बारे में बात करूँगा। अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो इसका क्या रीज़न है, क्या इसके आगे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसके सारा कुछ बात करूँगा, तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यार चलिए वीडियो को मैं अपनी स्टोरी से ही शुरू करता हूँ। मैं भी पहले गूगल एड्स पे एड्स को रन करता था। अगर मैं 4-5 महीने पहले की बात करूँ, जैसे मार्च या अप्रैल की बात करूँ जैसे, तो उस टाइम पे एड्स में रन करता था तो उसमें आराम से 1-2 दिन के अंदर वो रन मतलब शुरू हो जाता था करना, इंप्रेशन आने शुरू हो जाते थे, उस पर व्यूज़ भी अच्छे खासे आ जाते थे और बिड भी मतलब कम लगती थी। अब मैं देख रहा हूँ अभी 1-2 महीने या 2-3 महीने पहले से ही, मेनली 1-2 महीने पहले से ही, अगर मैंने बहुत सारे कैंपेन लगभग 4-5 से ज़्यादा कैंपेन वहाँ पर क्रिएट किए, उन पर मतलब एड्स को रन करने की कोशिश की, वहाँ पे एड्स उनका मतलब अप्रूव मेरा आराम से 1-2-3 घंटे के अंदर हो जाते हैं। आपने भी देखा होगा कि अप्रूव बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन उन पे 2-4 दिन मैं वेट कर रहा हूँ, 5 दिन वेट कर रहा हूँ, हफ्ता हो गया, लेकिन उन पे कोई इंप्रेशन ही शो नहीं हो रहा है, वहाँ पे कोई व्यूज़ ही नहीं आ रहे। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि वहाँ पे गूगल एड्स की जो टीम है, आपके जो अकाउंट है वहीं पे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन होता है, तो मैंने उनको वहाँ पे 3 मेनली ऑप्शन होते हैं, या तो डायरेक्टली चैट कर लो, कोविड की वजह से चैट का ऑप्शन तो वहाँ पे बहुत ही कम मिलता है, उसके बाद एक ईमेल का ऑप्शन होता है, एक कॉल का ऑप्शन होता है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि उनको एक कॉल किया था, सबसे पहली बार जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी, तो जैसे ही मैंने उनको कॉल किया उसके बाद 1 दिन लग गया था कॉल भी वहाँ पे, मतलब मैंने कॉल बैक का ऑप्शन वहाँ पे था तो उनका कॉल आया था, मैंने उनको प्रॉब्लम बताई थी, तो उसके बाद वो सारा कुछ शॉर्ट आउट हो गया था और वहाँ पे फिर मेरा एड्स मतलब दोबारा चलना शुरू हो गया था और उस पर व्यूज़ आने शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद अब फिर दोबारा जो मैंने कैंपेन क्रिएट किए न्यू वाले, तो उस पर कोई भी मतलब व्यूज़ आ ही नहीं रहे। तो उसके बाद मैंने दोबारा वहाँ पे गूगल एड्स की टीम को मेल किया था पिछले हफ्ते कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है दोबारा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोई भी इंप्रेशन नहीं शो नहीं हो रहा है। 2-3 हफ्ते हो गए एड्स को मतलब वहाँ पे क्रिएट किए हुए, कैंपेन पूरा अप्रूव हो चुका है, सारा कुछ सही किया, बिड भी सही लगाई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैंने वहाँ पे मेल किया था उनको, आप मेल रीड कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑटो जनरेटेड जो रिप्लाई होता है वो आया था कि कोविड की वजह से थोड़ा आपको रिप्लाई आने में लेट हो सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ मेरे हिसाब से 5-6 दिन बाद उनका मेल वापस रिप्लाई आया था, जो कि मेन वहाँ पे चीज़ है, तो आप अपनी स्क्रीन पे रीड भी कर सकते हैं उसको पॉज करके, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर उस मेल में लिखा क्या हुआ है। वही आखिर मेन चीज़ है कि जो रीज़न हो रहा है इन एड्स का मतलब रुकने का, क्यों नहीं व्यूज़ आ रहे हैं, तो वो मेन रीज़न इसी मेल पर लिखा हुआ है, आप पॉज करके रीड कर सकते हैं या मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो उस पर देखिए क्वेरी लिखी हुई है कि एड्स क्यों नहीं रन हो रहे हैं, मैंने मतलब जो उनको लिखा था। उसके बाद तो उनका जो वहाँ से ऑब्जर्वेशन और क्लैरिफिकेशन आया कि आखिर क्या रीज़न है, तो एक्चुअली में वो अपने जो एड्स का वो है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, जो सिस्टम है उनका उसको मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो एड्स का इकोसिस्टम है और भी अच्छे से वो कर सके। एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि कुछ ऐसे फालतू से ऐड भी वहाँ पे अप्रूव हो जा रहे हैं, उनका जो सिस्टम है वो मैनुअली नहीं है, एक्चुअली ये सिस्टम जनरेटेड है, AI बेस्ड है, तो वहाँ पे कोई भी ऐसे रैंडम एड्स भी वहाँ पे अप्रूव हो जा रहे हैं जो होने नहीं चाहिए, मतलब बेकार से ऐड है जो वो भी अप्रूव हो जा रहे हैं, तो वो चीज़ है, तो उसको ही वहाँ पे वो मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि जो बेटर एड्स हैं मतलब जो एक्चुअल जेन्युइन जो एड्स लगाना चाह रहा है जो बंदा, उनके ही एड्स वहाँ पे अप्रूव हो, बाकी जो फालतू के ऐड हो वहाँ पे अप्रूव ना हो। तो ये एक टेक्निकल इशू है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उनने ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई नई कैंपेन भी क्रिएट करेंगे तो ये इशू आपका सॉल्व नहीं होगा। तो एक्चुअली मैंने उसके बाद यहाँ पे दोबारा लिखा था कि कितना टाइम लगेगा कि इस इशू को सॉल्व होने में, तो उनका वहाँ पे एक और रिप्लाई आया था जल्दी आ गया, तो वहाँ पे आप साफ साफ लिखा हुआ है देख सकते हैं कि इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट रिजॉल्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक टेक्निकल इशू है गूगल एड्स की तरफ से, कि मतलब जो वो एड्स के इकोसिस्टम को मतलब वहाँ पे और भी मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि बेटर ऐड जो है मतलब जो सही से ऐड है वही अप्रूव हो वहाँ पे, बाकी जो फालतू के ऐड आपने देखे भी उनके बहुत सारे आते हैं वो मतलब अप्रूव ना हो। तो इस चक्कर में जो है कि अभी कुछ का आपने देखा होगा एड्स रन ही नहीं हो रहे होंगे, कुछ के रन हो रहे होंगे, तो ये बहुतों के साथ प्रॉब्लम आ रही। आप चाहे तो आप भी खुद भी गूगल एड्स की टीम को वहाँ पे मेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास और कॉल का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे कर सकते हैं, आपके अकाउंट में वहीं पे जाके टॉप में कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी उनको लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से मोस्टली यही रीज़न है कि क्यों आखिर गूगल एड्स मतलब आपके एड्स रन नहीं कर रहे हैं, अप्रूव होने के बाद भी वो उन पे इंप्रेशन नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, तो ये एक मेन रीज़न था। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सके लिख सकते हैं, और जैसे कि उनने बताया कि इसको रिजॉल्व होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप कितना टाइम ये तो बताया नहीं, मेरे हिसाब से लॉन्ग टाइम लिखा है तो शायद 1 महीना आप मान के चल लीजिए, अब इतना आप कह सकते हैं लग सकता है, बाकी देखते हैं कितनी जल्दी ये सॉल्व होता है। बाकी इसका कोई सॉल्यूशन इस टाइम पे तो नहीं है, आप एक ही यहाँ पे सॉल्यूशन है कि आप उनको कॉल कर लीजिए, अगर आपके ऐड में कुछ और इशू है तो वो आपको बता देंगे वहाँ पे और वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी तो मैं क्योंकि मैं जो एड्स रन करता हूँ सारा कुछ सही करता हूँ, फिर भी उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, तो यही मेन रीज़न है। बाकी आप उनके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करके बताइए ताकि पता चल सके कितने लोगों को ये कमेंट आ रही है। मेरे हिसाब से ये जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि गूगल एड्स की मतलब जो उनके कस्टमर्स इतने ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे।
तो यार यही थी वीडियो। अगर आप भी एक नए यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे ग्रो करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं बहुत सी और भी वीडियोस हैं जो आपको हेल्प करेगी ज़रूर से अपने चैनल को ग्रो करने में यूट्यूब में। तो यार यही थी वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।